फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि गुड टू टेक के बारे में कि ये गुड टू टेक ये मल्टी वेंडर का एप्लीकेशन है, वेबसाइट्स है। ये दोनों का चीज़ एक साथ है और दोनों का एडमिन पैनल जो है वो एक ही है। तो यहाँ पे आज हम जानेंगे किस तरीके से हम इसको मेंटेनेंस कर पाएंगे, चेंजेस कर पाएंगे। वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम अब इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। वो जैसे कि अभी के हम स्टार्टिंग देख लें, इसका लुक एंड फील बड़ा ज़बरदस्त है। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग इसको स्टोर वाइज सर्च कर सकते हैं, कैटेगरी वाइज आप स्टोर सर्च कर सकते हैं, इसका लोकेशन वाइज स्टोर सर्च किया जा सकता है इसके अंदर, और चीज़ें किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हम ए टू जेड जानेंगे कि किस तरीके से ये चीज़ हम मैनेज कर सकते हैं। अगर हमें मल्टीपल के स्टेट में, मल्टीपल का एरिया में अगर हम स्टोर दिखाना हो तो हम किस तरह दिखा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी मैंने बिहार स्टेट चूज किया तो यहाँ पे भी कोई स्टोर अवेलेबल नहीं है। जैसे अगर मैं डेली स्टोर यूज करता हूँ तो डेली में आपको यहाँ पे स्टोर दिखाएगा कि जिस भी स्टोर पर, जिस भी लोकेशन पर अपने स्टोर डाल रखा है, सिर्फ वही स्टोर दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पे अभी स्टोर है। सेम इस तरह से अगर आप महाराष्ट्र की बात कर लें तो महाराष्ट्र में भी आपको स्टोर दिखेगा। तो हर एक स्टोर स्टेट में या फिर हर एक सिटी में, जिस हिसाब से सिटी वाइज दिखाना चाहे सिटी वाइज भी ये पॉसिबल है, इस तरह कैटेगरी वाइज दिखाना चाहे कैटेगरी वाइज भी पॉसिबल है। ठीक है, तो इस तरह से जिस तरह जैसे चाहेंगे इसको आप इसको कर सकते हैं। तो ये किस तरह से करेंगे, और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक जबरदस्त एक टैब टैब की शक्ल में कि आप इसे प्रोडक्ट्स पर क्लिक करते ये टैब की तरह से आपको ये दिख जाएगा। और सेम इस तरह प्रोडक्ट के फीचर्स जो है बड़ा जबरदस्त है। मोबाइल के 100% रिस्पॉन्सिव मोबाइल के व्यू है। आप जब मोबाइल पे ओपन करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जैसे कि मोबाइल एप्लीकेशन है, जैसे आपका फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, या इस तरह से पेटीएम है। कि अगर ये अगर आप वेब व्यू अगर ओपन करेंगे तो वो जो है आपको लुक लाइक मोबाइल की तरह दिखता है। सेम वही चीज जब आप पेटीएम का अगर आप वो करेंगे, पेटीएम मॉल का अगर आप ऐप इंस्टॉल करते हैं या फिर वेबसाइट उसका ब्राउज करते हैं, तो जो ऐप में आपको जिस टाइप से दिखेगा सेम उस टाइप से आपका वेबसाइट में भी होता है। ठीक है, सेम इस तरह से आपका फ्लिपकार्ट का भी है। फ्लिपकार्ट में भी यही चीज है कि उसमें मोबाइल के लिए रिस्पॉन्सिव होता है, 100% रिस्पॉन्सिव होता है। जब आप मोबाइल में ओपन करेंगे तो मोबाइल के लिए मोबाइल की तरह वो दिखेगा। सेम इस तरह से हमने भी इसे डिजाइन करने की कोशिश की है। तो आज हम ये जानेंगे कि किस तरीके से हम वन बाय वन चीजों को हम इसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसका बैकएंड के लिए कि बैकएंड में कहाँ से किस तरह से एडमिन चेंज होगा। तो हम सबसे पहले फ्रंट एंड की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमें लॉगिन करना पड़ेगा डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड में लॉगिन करने के लिए आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं आराम से, इजिली। तो यहाँ पे मैं लॉगिन का डाल देता हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे जो भी चेंजेस करेंगे या जिस भी तरह के डिजाइन देना चाहेंगे वो अपने अकॉर्डिंग डिजाइन दे सकते हैं, लेबल लगा सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हम इसमें करने वाले हैं। अब ये जो पेज है, इस पेज को अगर आपको चेंज करना हो, कुछ लुक एंड फील अच्छा देना हो तो वो भी आप दे सकते हैं, बिल्कुल इजीली दे सकते हैं। जैसे कि मैं आपके अभी दिखा देता हूँ किस तरीके से आप दे सकते हैं। सबसे पहले मैं यही से शुरू करता हूँ कि जो इसका जो एडमिन पैनल है, वो एडमिन पैनल को चेंज करना है हमें। तो जस्ट मैं क्या प्लगइन के सेक्शन पे जा रहा हूँ। यहाँ पे प्लगइन के सेक्शन पे जाने के बाद यहाँ पे एक प्लगइन यूज करना है। वो प्लगइन यूज करने के बाद आप अच्छे से अच्छे बेटर से बेटर कोई भी के आप डैशबोर्ड आप चूज कर सकते हैं, या फिर अगर आप सेट करना चाह रहे हैं ये डैशबोर्ड का अपना प्लेटफॉर्म तो भी आप सेट कर सकते हैं। कस्टम लॉगिन, आप ये कस्टम लॉगिन के नाम पे इसको जब सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे एक मिलेगा ये एक प्लगइन। आप इस प्लगइन का यूज करेंगे, इस प्लगइन का यूज करके आप जो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड को अपने अकॉर्डिंग, अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग आप इसको मैनेज कर सकते हैं बिल्कुल इजीली। जैसे कि यहाँ पे हमने ये लॉगिन कर लिया, लॉगिन करने के बाद इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे लॉगिन पेज के नाम से आ जाता है। तो यहाँ पे उसके बाद ये है कस्टमाइजर। तो आप कस्टमाइजर पर क्लिक करने के बाद ये आपको आ जाएगा यहाँ पे इस टाइप से आएगा। यहाँ पे कर लेते हैं अलाउ एंड कंटिन्यू। ये
जैसे अलाउ एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको लेके आएगा कस्टमाइजेशन के सेक्शन पे। कस्टमाइजेशन सेक्शन पे अगर आपको हेडर चेंज करना हो, जो आपके यहाँ पे है ये हेडर है लिखा हुआ है गुड टू टेक डैश वर्डप्रेस, अगर आपको ये चीज चेंज करना हो तो ये भी चीज चेंज कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं ये चेंज करना हूँ, जैसे ये मुझे लोगो चेंज करना हो तो सिंपल ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये लोगो आप पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपका जो लोगो है आप वो लोगो आप चूज कर सकते हैं। जैसे ये हमने के लोगो रखा था तो ये हमारे के लोगो है, या फिर आप आइकॉन अगर रखना चाह रहे सिर्फ तो आइकॉन भी रख सकते हैं, वो आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग है, आप जैसा चाहेंगे वैसा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने के यहाँ पे ये चेंज कर लिया। सेम इस तरह के यहाँ पे अगर हम चेंज करें, इसका डिजाइन चेंज करें, इसका जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड चेंज करना है तो बैकग्राउंड भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड है, अगर आप कोई भी बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं या फिर अगर आप चाहते हैं कि आप अपने खुद के बैकग्राउंड इसमें ऐड करें तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं, या अपने अकॉर्डिंग बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, जैसा चाहेंगे वैसा चीज आप कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना बैकग्राउंड, कोई भी बैकग्राउंड आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये और चेंज करना, इसका कलर वगैरह चेंज करना, तो बहुत सारे चीजें चेंज कर सकते हैं। राइट, अब रही बात ये कि यहाँ पे जो लिख के आ रहा है कि ये टैगलाइन है, इसमें डला हुआ नहीं था, तो ये टैगलाइन अगर आपको चेंज करना हो तो आपको कैसे करेंगे, बिल्कुल इजी है कि यहाँ से टैगलाइन चेंज करने के लिए आपको जाना पड़ेगा ये साइट आइडेंटिफिकेशन, और ये आपका यहाँ से है ये टैगलाइन स्टोर ऑनलाइन के नाम से है, तो यहाँ पे अपना जो भी टैगलाइन है वो टैगलाइन आप अपने अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं। और ये आपका फेविकॉन आइकॉन है, फेविकॉन आइकॉन आपका यहाँ से चेंज होगा, अगर चेंज करना चाह रहे हैं या फिर इसका मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। जी हाँ, आप इसको अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको ये चेंज करना हो, क्योंकि हमारा अभी जो हमें ये है फेविकॉन आइकॉन है, फेविकॉन आइकॉन को हमें डिफरेंट वे में इसको हमें देखना है, तो डिफरेंट वे में देखने के लिए इसके लिए हमें जो यूज करना है वो करना है आपको, तो जहाँ जैसे कि ये लोगो है, ये लोगो अभी हमने रिसेंटली डिजाइन किया है, तो ये लोगो अगर हमें लगाना हो उसमें फ्रंट में तो आप ये लोगो लगा सकते हैं, बिल्कुल इजीली लगा सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आते हैं, आज जैसे ये यहाँ पे लगाना हो तो हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं, लेकिन इससे पहले कि हमें चेंज करना था तो जस्ट हम इस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद ये लोगो चूज करते हैं। लोगो मैं यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ, ये न्यू लोगो है तो इसको मैंने यहाँ से किया अपलोड। इसमें दोनों ऑप्शन हैं, इसमें पीएनजी का भी ऑप्शन है और इसमें जेपीजी भी ऑप्शन है। ठीक है, तो मैं इसे पीएनजी अपलोड करता हूं, तो यहां पे हमने एक ये डाल दिया लोगो। अब इस लोगो को हम अपने अकॉर्डिंग जिस हिसाब से चाहें वैसे हम रख सकते हैं, जैसे कि ये राउंडेबल में था तो ये राउंडेबल में ये आप इस तरह से दिखेगा तो इस हिसाब से भी रख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं यहाँ पे जैसे ये फेविकॉन आइकॉन है, ये फेविकॉन आइकॉन हमें चेंज करना है तो फेविकॉन आइकॉन हमें चेंज करने के लिए बिल्कुल इजी ऑप्शंस हैं कि आप साइट में जाएंगे और उसके बाद यहाँ से फेविकॉन आइकॉन चूज करेंगे। इसके लिए एक शर्त है कि आपको जो लोगो है वो लोगो की जो साइज है, डायमेंशन है, वो 512x512 का डायमेंशन होना चाहिए। इट मीन्स जब आप इसमें डिजाइन करें तो ये लोगो आप 500x12 पिक्सल्स के रखें तो वो ज्यादा बेटर है, उसके बाद आप इसको सेव कर दें। राइट, तो ये अभी अगर आप देखेंगे कि जब एडमिन पैनल अब आप जब ओपन करेंगे तो आपको एडमिन पैनल का जो लुक एंड फील है वो बड़ा जबरदस्त दिखेगा और उसका डिजाइन जो है कि वो जबरदस्त आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह का आप अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहें उस हिसाब से आप डिजाइन दे सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत सा भी डिजाइन दिख रहा है कि एडमिन पैनल का, जो ऐसा कभी महसूस ही नहीं हो रहा है या लग ही नहीं रहा है कि ये भी वर्डप्रेस की चीज है। ठीक है, बट ये वर्डप्रेस में बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहें उस हिसाब से इसमें डिजाइन चेंज कर सकते हैं। जी हाँ, तो खैर ये तो मैंने बात कर ली कि एडमिन पैनल की। अगर हम बात करें इसके फ्रंट एंड की, या फ्रंट एंड में हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं, तो फ्रंट एंड के इसके अंदर का बहुत सारी चीजें हैं जो वन बाय वन मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप में जो होम पेज में होम पेज की कोई जो चीजें हैं मैं स्टेप बाय स्टेप में आपको बता देता हूँ।
जैसे यहाँ पे अगर आपको लोगो चेंज करना हो, सपोज तो लोगो चेंज करना हो या सर्च बार का उसमें हटाना हो तो ये उसको किस तरह करेंगे, तो इसके लिए सिंपल ऑप्शन से आप एडमिन पैनल पे आएंगे। एडमिन पैनल पे आने के बाद ये आपका ये ग्रीन मार्ट थीम ऑप्शन है, ये ग्रीन मार्ट थीम ऑप्शन पे आपके क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो यहाँ पे जो लोगो का सिस्टम मिलेगा वो है कि आप अगर वेबसाइट में लोगो चेंज करना चाह रहे हैं तो वेबसाइट के लिए अलग है, मोबाइल ऐप मोबाइल के व्यूज के लिए वो अलग है। ठीक है, तो दोनों के लिए लोगो जो है बिल्कुल अलग अलग है, ये मोबाइल व्यू का है और वेब के लिए बिल्कुल अलग है। तो खैर मोबाइल के वेब के लिए अगर आप बात करेंगे तो वेब के लिए आपको यहाँ पे हेडर पर क्लिक करना पड़ेगा। हेडर पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप लोगो चेंज कर सकते हैं। ये आपके लोगो की साइज है, जैसे साइज अगर इसमें छोटा बड़ा करना चाहे तो आप कर सकते हैं, और मोबाइल का लोगो अगर आपको चेंज करना हो तो मोबाइल लुक के लोगो यहाँ से है, आप इसको चेंज कर सकते हैं बिल्कुल इजीली, राइट। तो खैर इसको मैंने अभी सेव कर दिया। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा ये लग रहा है कैसे यहाँ पे सटा हुआ है, तो इस चीज को अगर थोड़ा सा हटाना हो कि या फिर इसको गैप देना हो तो भी चीज आप गैप दे सकते हैं, बिल्कुल इजीली गैप दे सकते हैं। तो इसको क्या करना है, थोड़ा छोटा कर देना बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, यहां से आपको इसको थोड़ा सा छोटा कर देना बस। डन। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ये जो कि हेडर है, अगर इस तरह का हेडर अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं, ये मेन्यू ऐड करना चाह रहे हैं हेडर में, तो वो कैसे ऐड करेंगे। सिंपल ऑप्शन से आप अपीयरेंस के अंदर जाएंगे और उसके बाद यहाँ से आप मेन्यू पे क्रिएट करेंगे, मेन्यू को आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन ये इसमें जो कैटेगरी वाइज है, जैसे कि आप इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज दिखा, तो कैटेगरी आप बनाने का बिल्कुल ईजी ऑप्शन है। यहाँ पे जो एक प्रोडक्ट अभी डला हुआ है, और जबकि आप बर्थडे ऑफर पर क्लिक करेंगे तो अभी कोई प्रोडक्ट इसमें डला हुआ नहीं है। तो इसमें कोई कैटेगरी अगर आप ओपन करना चाह रहे हैं तो कैटेगरी के अकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। कैसे होगा, तो सबसे पहले आप देख ले कैटेगरी कैसे ऐड करेंगे। तो कैटेगरी ऐड करने के लिए सिंपल ऑप्शन है कि आप प्रोडक्ट पे जाएंगे, उसके बाद आप यहाँ पे कैटेगरी पे क्लिक करेंगे और जो भी कैटेगरी आपको चाहिए वो कैटेगरी आप इसमें ऐड कर लीजिए। और ऐड करने के बाद वही कैटेगरी, सपोज कि मैं यहाँ पे अभी जो डाल रहा हूँ टेस्ट के नाम पे डाल रहा हूँ, सिर्फ आपको जस्ट दिखाने के लिए आप किस तरीके से कैटेगरी ऐड कर सकते हैं और उस कैटेगरी को मेन्यू में कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें फिर प्रोडक्ट कैसे ऐड करेंगे, राइट। तो ये मैंने कैटेगरी ऐड कर दी है, उसके बाद यहाँ पे का हमारे पास जो एक लिंक मिल गया है क्या टेस्ट के नाम से, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो टेस्ट के नाम से ये कैटेगरी क्रिएट हो चुका है। इस कैटेगरी को आप मेन्यू में लगा सकते हैं, जैसे ये देखें ये टेस्ट के नाम से ये कैटेगरी क्रिएट हो चुका है, तो आप इसको व्यू पे क्लिक कर ले और यहाँ पे मेन्यू पे आए और मेन्यू आने के बाद यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करें और यहाँ पे कैटेगरी का नाम डालें और यहाँ पे वही URL ऐड करें जो आपको यहाँ पे कैटेगरी में दिख रहा है। ठीक है, तो आप उसके बाद यहाँ पे इसको चेंज कर ले, राइट। तो यहाँ पे क्या आपका ये कैटेगरी आप ऐड हो चुका है, इसके बाद आप इसको जहां भी रखना चाहें आप रख सकते हैं, जस्ट ड्रैग ड्रॉप करके आप रखना चाहें बिल्कुल इजीली रख सकते हैं। उसके बाद आप सेव कर लें, सेव करने के बाद आप देखेंगे रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पे ये दिखेगा कि ये टेस्ट का नाम से आ गया। ठीक है, तो ये तो रही कैटेगरी ऐड करने की। अगर आपको इस तरह से कोई पेज ऐड करनी हो तो सेम सिस्टम है, आपको पेज ऐड करने के लिए आपको यहाँ से जाएंगे, आप पेज पे क्लिक करेंगे और इस तरह से पेज बनाएंगे और पेज बनाने के लिए आप ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप कोई भी पेज बनाना चाहे बना सकते हैं, ऑलरेडी इसमें बहुत सारे पेज बना हुआ है। उसके बाद जब बन जाएगा तो बनने के बाद आप यहाँ पे आएंगे और उसके बाद यहाँ पे ये देख रहे हैं ये पेज है, ये सारे पेज है। तो ये आप पेज है, जो भी पेज आप चाहे उसमें आप लगा सकते हैं, जस्ट क्लिक कीजिए उस पर ऐड कीजिए और ऐड करने के बाद उसमें सेव कर लीजिए, ये आ गया। ठीक है, तो इस तरह से जो आप बिल्कुल इजीली जो आप इसको लगा सकते हैं, इसको कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, कोई आप आराम से इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आप प्रोडक्ट्स की जो इस कैटेगरी में प्रोडक्ट ऐड जब करेंगे तो कैसे दिखेगा कि या किस टाइप से दिखेगा। जैसे सपोज कि अगर मैंने अभी यहाँ पे टेस्ट पे क्लिक किया तो टेस्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं अभी कोई भी प्रोडक्ट्स नहीं है। अगर आपको प्रोडक्ट्स इसमें ऐड करना हो तो सिंपल ऑप्शन है, आप क्या करेंगे प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ प्रोडक्ट्स ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे आपका प्रोडक्ट्स ऐड न्यू पे आ जाएगा, या फिर अगर पुराना कोई प्रोडक्ट्स है उसको अगर आप चाहते हैं कि उसमें ऐड करें तो वो
भी चीज़ याद कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम डालना है, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन डालना है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी को जो भी डालना है। यहाँ पे प्रोडक्ट से सिंपल प्राइस है, सिंपल में है या हार्ड ग्राउंड में है, जो भी आप इस हिसाब से इसमें चेंज कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ है कि वेरिएबल प्रोडक्ट्स डालने के लिए और सिंपल प्रोडक्ट डालने के लिए। सिंपल तो ये है, जस्ट आप यहाँ पे जो भी आपका प्राइस है वो प्राइस आप यहाँ पे ऐड करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्राइस ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे शेड्यूल लगा सकते हैं कि ये प्राइस है, ये ऑफर जो है कब से कब तक है। अगर शेड्यूल लगाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे शेड्यूल लगा सकते हैं, ठीक है। इसका ये टैक्सेबल है या नॉन टैक्सेबल है, जो भी चीज आप इसको मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा सब टाइटल अगर डालना हो तो आप ये डाल सकते हैं, जैसे कि पर केजी का इस तरह का ऑप्शन है। सब टाइटल डालने के लिए आपको वीडियोज है, वीडियोज का लिंक यहाँ पे आप डाल सकते हैं। यूट्यूब के वीडियोज हो या फिर फेसबुक के वीडियोज है, कोई भी वीडियो है उसका URL आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद इन्वेंट्री है, यहाँ पे आप SQRD डाल सकते हैं। यहाँ पे स्टॉक मैनेजमेंट का डालना हो आप डाल सकते हैं। इसके अलावा शिपिंग का अगर ये रखना चाहें तो ये चीज रख सकते हैं, जैसे क्लोथिंग वगैरह के इसमें चीज़ें होती है, जैसे जब आप शिप रॉकेट वगैरह या इस तरह से कोई थर्ड पार्टी कंपनी से जब आप शिपिंग करें तब आप शिपिंग की डिटेल देनी होती है, वरना नहीं, ठीक है। इसके बाद जस्ट क्या आप यहाँ पे क्या करें, क्या टेस्ट पे ये आपका जो टेस्ट था कैटेगरी का नाम, तो उस पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप उसको ऐड कर दें, कोई भी प्रोडक्ट्स इसमें ऐड कीजिए। जैसे सपोज मैं अभी लोगो लगा रहा हूँ, तो लोगो लगाने के बाद यहाँ पे मैंने इसको लोगो लगा दिया और लोगो को मैंने प्रोडक्ट्स को ऐड कर दिया, जस्ट पब्लिश पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि ये जो है ना प्रोडक्ट्स ऐड हो चुका है, हाँ, विदाउट एनी नेम के। तो यहाँ पे आप जैसे टेस्ट को रिफ्रेश करेंगे तो ये प्रोडक्ट्स ऐड नहीं हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पे टाइटल का नाम नहीं डाला था। कोई नहीं, यहाँ पे मैं टाइटल का नाम ऐड कर देता हूँ जी। तो यहाँ पे मैं टाइटल का नाम ऐड कर देता हूँ टेस्ट के नाम से, और ये प्रोडक्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ से, अच्छा सॉरी, यहाँ पे ये ऐड नहीं हुआ है। तो आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं बिल्कुल इजीली। यहाँ पे 190, ठीक है, उसके बाद यहाँ का आपने डाल दिया प्रोडक्ट्स, सॉरी ये है प्रोडक्ट्स, ये आपका आ गया लोगो, ठीक। तो यहाँ का आ गया आपका, उसके बाद आप पब्लिश, तो इस टाइप से आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे आपको ये प्रोडक्ट्स दिख गया, ठीक है, ये प्रोडक्ट्स आ चुका है। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल इजीली आप इसमें कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको ये चीज़ें थर्ड पार्टी कोई प्रोडक्ट्स ऑलरेडी डला हुआ है, वो प्रोडक्ट्स अगर ऐड करना हो तो आप कैसे करेंगे, उसमें कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो आप ऑल प्रोडक्ट्स पर क्लिक करेंगे। ऑल प्रोडक्ट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से आप देखेंगे कि ये सारे प्रोडक्ट्स आ चुका है, तो मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। यहाँ पे कोई प्रोडक्ट्स हैं, उस प्रोडक्ट्स को अगर आप ऐड करना चाहें तो बिल्कुल सिंपल ऑप्शंस हैं, वो आप किसी भी कैटेगरी में इस प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। जस्ट आपको कैटेगरी चूज करना, चाहे क्या प्रोडक्ट्स वेंडर का हो, चाहे आपका क्या नाम है अपना वन ऑन प्रोडक्ट हो, इन हाउस प्रोडक्ट्स, खुद का प्रोडक्ट्स, वो भी चीज़ें कर सकते हैं। बस जस्ट आप कैटेगरी पे आप इसे इनेबल करेंगे और कैटेगरी इनेबल करने के बाद वो कैटेगरी वो प्रोडक्ट्स उसी कैटेगरी में शो हो जाएगा, बिल्कुल ईजी ऑप्शन है। ये देखें शो हो गया ना, तो मैंने क्या जो टेस्ट वाला था वो मैंने डिलीट कर दिया था। ये आपका यहाँ पे सेलर्स का नाम आ रहा है, यहाँ पे स्टाफ सेलर्स का नाम आ जाएगा, ठीक। इसके बाद का हम अगर बात कर लें कि अगर आप जो होम पेज जो स्लाइड हैं, स्लाइड के अंदर कोई चेंजेस करना चाह रहे हैं तो भी आप ये बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। जस्ट क्या करें, आप ये जो स्लाइड है इस स्लाइड का साइज जान लें, और स्लाइड का साइज करने के बाद उसको अपने अकॉर्डिंग उस स्लाइड का रिसाइज करें, और रिसाइज करने के बाद आप उसको स्लाइड का चेंज कर सकते हैं बिल्कुल ईजिली। ये कैसे करेंगे, आपको जस्ट आप स्लाइड पर क्लिक करें, जैसे कोई भी स्लाइड है, ये स्लाइड है, इस स्लाइड के अगर आप साइज देखेंगे, इसका डायमेंशन देखेंगे, तो ये 757 × 100, ये तो आपका वो है लोगो है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ।
हाँ यहाँ पे आप स्लाइड देख रहे हैं, तो ये स्लाइड है ठीक है। तो ये स्लाइड आपका 1280x300 पिक्सल का है। तो ये जो पिक्सल्स है इस पे इसी तरह से आपको स्लाइड आप रेडी कर लें। रेडी करने के बाद आप स्लाइड बिल्कुल इजीली आप इसको चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, आपको यहाँ पे आना है स्लाइड के, इसमें स्लाइड डेवलेशन पे क्लिक करना है। स्लाइड डेवलेशन पे क्लिक करने के बाद जो भी स्लाइड आप चेंज करना चाह रहे हैं, चाहे स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3, स्लाइड 5, जो भी आप चेंज करना चाह रहे हैं वो आप इजीली चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्लाइड अभी के डिजाइन किया हुआ है, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी चाहें कि जो भी स्लाइड इसमें चेंज करना चाह रहे हैं बिल्कुल आप इजीली कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी है, जैसे अगर आपको यहाँ पे देखना हो ये जैसे ये स्लाइड है, इसको चेंज करना है, बस जस्ट आप इस पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जाना है ये इमेज के सेक्शन पे। इमेज सेक्शन पे जाने के बाद यहाँ पे मीडिया पे फाइल अपलोड कर देंगे ठीक है। उसके बाद अपलोड करने का ये दिख जाएगा ठीक। जैसे आप मीडिया पे फाइल अपलोड करेंगे यहाँ पे बैकग्राउंड पे वही इमेजेस आ जाएंगे, वही स्लाइड आ जाएंगे ठीक है। हाँ यहाँ पे कोई स्लाइड कस्टमाइजेशन करना चाह रहे हैं तो भी आप स्लाइड कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि आप ये स्लाइड के फॉर्मेट को चेंज कर रहे हैं तो ये स्लाइड के फॉर्मेट को भी आप चेंज कर सकते हैं। यही सब स्लाइड के फॉर्मेट को भी चेंज कर सकते हैं राइट। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे शॉप बाय स्टोर जा रहा है कि ये शॉप बाय स्टोर अभी एक जस्ट कोड से आ रहा है। यहाँ पे अगर आपको होम पेज में ये चीजें चेंज करना हो, स्लाइड की जगह में कोई दूसरी चीजें लगानी हो तो वो कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल ऑप्शन से आप पेजेस के सेक्शन पे जाएंगे। पेजेस के सेक्शन पे जाने के बाद आपको जो होम पेज में जो स्लाइड है तो स्लाइड को आप अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहें डिजाइन दे सकते हैं। अब इस होम पेज पे आप क्लिक कर, यहाँ पे ये फ्रंट पेज के नाम से बना हुआ है तो इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से आपका स्लाइड डिवोल्यूशन आ चुका है ठीक है। जैसे कि मैं अगर इसमें दूसरा स्लाइड लगाना चाह रहा हूं तो मैंने इसको डुप्लीकेट कर लिया। डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पर जस्ट यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने का बहुत सारे स्लाइड आपको यहाँ पे दिख जाएगा, तो जो भी स्लाइड है वो स्लाइड आप लगा सकते हैं या फिर अपना कस्टमाइजेशन करना चाह रहे हैं तो भी आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहे कस्टमाइजेशन करना चाहें वैसा है आप इसमें डिजाइन दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है ठीक है। यहाँ आप अगर कोई दूसरी चीज ऐड करना चाह रहे हैं तो भी चीज आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे ये आपका हमने कोड यूज किया, ये स्टोर के लिए हमने कोड यूज किया है तो ये क्या आप ये चीज अगर चेंज करना चाह रहे हैं, हटाना चाह रहे हैं तो भी आप हटा सकते हैं, कोई मसला नहीं है ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ये जो स्टोर्स हैं, जो स्टोर्स आ रहे हैं ये जस्ट इसी कोड से आ रहे हैं, ये हमने कोड इसमें डाल रखा है ठीक है। इसके बाद क्या बात कर लेंगे शॉप बाय कैटेगरी, तो ये बिल्कुल इजी ऑप्शन है। शॉप बाय कैटेगरी आप कोई भी कैटेगरी इसमें हटाना चाह रहे हैं, घटाना चाह रहे हैं या रिमूव करना चाह रहे हैं, बिल्कुल ईजी ऑप्शन है, आप उसको आराम से इसमें क्या हटा सकते हैं। ये देखें शॉप बाय कैटेगरी के नाम से हमने डाल रखा है ठीक है। तो ये यहाँ पे आप कोई भी कैटेगरी आप ऐड कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, आप अपने अकॉर्डिंग जो चाहें जैसा चाहें उसके अकॉर्डिंग आप इसमें इमेज अपलोड करना चाहें इमेज अपलोड कर सकते हैं, अपना कैटेगरी ऐड करना चाहे कैटेगरी ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे बात कर लें डील ऑफ द डे का, तो डील ऑफ द डे का जो सेक्शन है उसको चेंज करना हो तो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे डील ऑफ द डे का सेक्शन है, ये है डील ऑफ द डे का सेक्शन ठीक है। इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट अगर चेंज करना हो तो आप चेंज कर सकते हैं, या कोई चीज ऐड करना हो तो आप मजीद ऐड भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज इसमें डाला हुआ है तो कोई भी चीज ऐड करना हो तो आप यहां से ऐड भी कर सकते हैं बिल्कुल इजीली। यहां पे जैसे आपको प्रोडक्ट्स का कोई ऐड करना हो, किसी टाइप के प्रोडक्ट्स ऐड करना हो तो आप यहां पे वो प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं ठीक है। तो ये तो रही बात की इसके होम पेज की, जो आपके होम पेज की सारी चीजें आ गई। अब बात कर लेते हैं आप ये कि न्यूज लेटर की और फुटर की, तो यानी कि ये एक आपका फुटर के अंदर इंक्लूड है कि अगर फुटर अगर चेंज करना चाहे तो आप फुटर भी चेंज कर सकते हैं। फुटर चेंज करने के लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे फुटर के सेक्शन पे, और सेक्शन पे जाने के बाद आपको ये फुटर के अंदर कोई भी एडिट करना हो, कुछ भी एडिट करना हो तो आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे फुटर के नाम से बना हुआ है तो यहाँ पे ये जो सारी चीजें डली हुई है इसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ये फुटर वन के बनी है, ये फुटर वन राइट, तो ये वाले फुटर उसमें ऐड किया हुआ है ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको जो है जैसा चाहे उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ये आपका न्यूज लेटर है कि ये इसमें ये आपके इमेजेस हैं, जो सारी यहाँ पे जो इमेजेस आ रही हैं वो सारी इमेजेस हैं वहाँ पे ठीक है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल ईजी ऑप्शन के साथ आप इसको चेंज
कर सकते हैं। जी हाँ, इसके बाद अगर बात कर लेते हैं आपका जो प्रोडक्ट्स पेज की, प्रोडक्ट्स पेज वगैरह की, कैटेगरी पेज की, या फिर के वेंडर के वेंडर किस तरह से ऐड होगा, वेंडर का कैसे हम पहचान पाएंगे जो वेंडर यहाँ पे ऐड है या नहीं है, तो इस तरह के अगर आपको जानना हो तो वो कैसे करेंगे, कि वेंडर का किस तरह से होगा, क्योंकि यहाँ तो हमने अभी जान लिया कि ये आपका प्रोडक्ट्स के बारे में या चीज़ों के बारे में, और ऑर्डर्स वगैरह देना है या यहाँ पे चेकआउट पे चेक पे क्लिक करना है, तो जो पिन कोड है, पिन कोड के अकॉर्डिंग जो भी ऑर्डर करना चाहें वो ऑर्डर कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे और एक दो चीज़ें हैं कि जो हमें यहाँ पे जाननी है कि सिंगल वेंडर के अकॉर्डिंग बिलिंग फॉर्मेट वगैरह का, इस चीज़ अगर हम जानना हो, क्योंकि यहाँ पे इस पिन कोड का भी वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए वो पिन कोड यहाँ पे भी दिखा नहीं रहा, ठीक है, इसमें वो मना कर दिया। तो इस तरीके से ये तो चीज़ हो गया। हाँ, बिलिंग वगैरह का अगर आपको करना हो तो वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट्स पे आएंगे और ऑर्डर पे सेक्शन पे क्लिक करेंगे, और ऑर्डर सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपका बिलिंग फॉर्मेट जो है वो चेंज कर सकते हैं, किस हिसाब से करना है, ठीक है। सपोज के इसका अगर आपको पीडीएफ बिल निकालना हो तो आप पीडीएफ बिल निकाल सकते हैं, या फिर किस तरह से ड्राइव को किसी ड्राइवर को असाइन करना हो तो आप ड्राइवर को असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज मैं बिल निकाल कर दिखाता हूँ, फिर मैं ड्राइवर को उसमें जाता हूँ, जैसे अभी ये प्रोडक्ट्स आ चुका है, इस प्रोडक्ट से आने के बाद अभी हमें क्या करना है, इसको ड्राइवर को असाइन करना है, ये जो ड्राइवर है इसको हमें असाइन करना है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे जैसे आप इसका बिल निकाल की बात करें, ये आपका ड्राइवर का सेक्शन है, इसका अगर बिल निकालना हो तो बिल के लिए एक प्लगइन ऐड करना पड़ेगा, इसमें अभी बिल के लिए कोई प्लगइन अभी ऐड नहीं है, तो कोई इशू नहीं, मैं बिल के लिए प्लगइन ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे एक जो पीडीएफ बिल है, पीडीएफ बिल चाहते हैं तो पीडीएफ बिल का आप अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहें वैसा आप इसमें कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी ऑप्शन हैं, क्योंकि यहाँ पे पीडीएफ बिल, सॉरी ये पीडीएफ बिल ऑलरेडी है लेकिन ये अपडेट नहीं था, इसलिए कि इस तरह का दिख रहा था, तो ये कभी कभी अपडेट मांग लेता है जिसकी वजह से वो वहां पे दिख नहीं रहा था, ठीक है। जब हम इसमें अब रिफ्रेश करेंगे तो रिफ्रेश करने के बाद आप ये देख सकते हैं, आप बिल के इनवॉइस का इसमें आ चुका है, ठीक है। तो इनवॉइस अपने कस्टमर को भेजना चाहें कस्टमर को भेज सकते हैं, या फिर अपना ड्राइवर को भेजना चाहें वो ड्राइवर को भेज सकते हैं, नोटिफिकेशन भेजना हो आप भेज सकते हैं, बिल्कुल इजी ऑप्शन से, ठीक है। ये आपका इनवॉइस का आ गया, यहाँ पे अगर कुछ सेटअप करना हो आपको कि इनवॉइस के अंदर कोई एक चीज़ चेंज करना हो या फिर के रिमूव करना हो तो भी चीज़ आप कर सकते हैं। ये आपका इनवॉइस है, ये आपका पैकिंग स्लिप है, इस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इनवॉइस का ये दिख जाएगा, ठीक है। तो ये इनवॉइस है, अब इस इनवॉइस के अंदर चेंजेस करना हो, क्योंकि इनवॉइस में चेंजेस ज़रूरी है, यहाँ पे आपका लोगो आना ज़रूरी है, यहाँ पे आपका जो कंपनी का नाम है वो आना ज़रूरी है, तब जाके इनवॉइस इसको माना जाएगा। तो खैर यहाँ पे आप ये चीज़ चेंज करना हो तो कैसे करेंगे, आप यहाँ पे ओकॉमर्स पे आएंगे, ओकॉमर्स आने के बाद ये आपके इनवॉइस के नाम से बन जाएगा, पीडीएफ इनवॉइस के नाम से, यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल इजीली चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें, ये सिंपल में है, सिंपल वे में है, ये न्यू विंडोज में है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद ये चेंज करना, यहाँ पे आप लोगो लगा सकते हैं, जो भी आपका लोगो है, लोगो आप जो दिखाना चाहते हैं वो लोगो आप बिल्कुल इजीली आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये आपका लोगो ऐड हो चुका है, यहाँ पे आप कंपनी का जो शॉप का नाम है वो शॉप का नाम आप यहाँ पे शो कर सकते हैं, ये आपका शॉप का नाम आ गया, यहाँ पे ये गुड टू टैग के नाम से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे शॉप ऐड हो जाएगा इस टाइप से, यहाँ पे आपका एड्रेस ऐड होगा, ये शॉप एड्रेस ऐड होगा, ठीक है। शॉप एड्रेस जो भी आप एड्रेस इसमें डालना चाह रहे हैं वो आप एड्रेस ऐड हो जाएगा, यहाँ पे फुटर पे कुछ डालना चाह रहे हैं, यानी आपका जो पीडीएफ का बिल है उस बिल में कुछ चीज़ें कि नीचे का जो ऑप्शन है वहाँ पे अगर कुछ डालना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे अगर कोई चीज़ डालना चाह रहे हैं तो भी चीज़ आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इस तरह से आप इसको कर दीजिए सेव। सेव करने के बाद आपका यहाँ पे जो लोगो वगैरह है, ये जो सारे चेंजेस हैं वो चीज़ आपको दिख जाएगा। हाँ, यहाँ पे आप फॉर्मेट लेटर साइज में भी रख सकते हैं या फिर ए4 साइज में भी रख सकते हैं। इसका डॉक्यूमेंटेशन पे आप क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो दिखेंगे, जो कब कब आपको इनवॉइस दिखना चाहिए, ठीक है।
तो इनवाइस कस्टमर को कब कब पहुंचना चाहिए, नी ऑर्डर के टाइम जैसे ही कस्टमर नी ऑर्डर करे तो उस टाइम कर रहे हैं, या फिर पॉजिटिव ऑर्डर पे क्लिक कर दें, अच्छा नए ऑर्डर पे जाना चाहें या फिर इस तरह जाना चाहें, या फिर कंप्लीट ऑर्डर जब हो जाए तो उसके बाद इनवाइस चाहें, तो खैर पॉजिटिव ऑर्डर पे ही करें तो ज्यादा बेटर है। इसके बाद यहाँ पे किसी सेक्शन को अगर डिसेबल करना है कि यहाँ पे कोई ना दिखे तो भी आप कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमसे जस्ट यहाँ पे आप इनवाइस का नंबर सेट कर सकते हैं, जो भी नंबर आप सेट करना चाहें, जैसे यहाँ पे 123 है तो इसका आप एडिट कर सकते हैं, जैसे 001 से स्टार्ट करना चाहें आप जैसा करना चाहें वो पॉसिबिलिटी है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो सेटअप करना है वो आप इसमें इनवाइस के अंदर के ऑर्डर कॉलम के सेट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक। तो आपके अकॉर्डिंग जैसा चाहे आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ड्राइवर की, कि ड्राइवर को अगर किसी प्रोडक्ट को असाइन करना हो तो कैसे दिखेगा, या फिर कोई ड्राइवर ऐड करना हो तो कैसे दिखेगा, या फिर डिलीवरी बॉय हमें ऐड करना हो। सिंपल ऑप्शन है, आप डिलीवरी बॉय ऐड करेंगे तो आप इस पर क्लिक करेंगे, डिलीवरी बॉय ऐड करने के लिए आपका आ गया डिलीवरी बॉय का सेक्शन, ये आ गया आपका यहाँ से, अभी एक ही डिलीवरी बॉय है ऐड है तो आप यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको कोई भी प्रोडक्ट ऐड करना हो आप बिल्कुल ईजिली ऐड कर सकते हैं। ये मैंने आपको पिछले के इसमें भी के बता रखा है, यहाँ पे ये ऐड करना हो वो बिल्कुल इजीली ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद उसको आप ड्राइवर आप जब ऐड करेंगे तो इसके बाद यहाँ से आपको वो सेक्शन दिख जाएगा, जब कौन से ड्राइवर को जाना है नहीं जाना है, यहाँ पे सेट ड्राइवर जो भी ड्राइवर है उसको आप इसमें डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका इस प्रोडक्ट के बारे में आउट ऑफ डिलीवरी है, नहीं यहाँ पे डिलीवरी नहीं है तो आप इसमें डिलीवरी के उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे चेंज करेंगे तो आपके जो कस्टमर से उनको ये मालूम हो जाएगा ये प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ से आउट ऑफ डिलीवरी है, तो ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर हम लास्ट ऑप्शन से हमें बात करते हैं वो आपका सेलर पैनल की बात कर लेते हैं। ये आपका सेलर पैनल का स्पैनर है, वेंडर रजिस्ट्रेशन है, वेंडर अगर रजिस्टर्ड होना चाह रहा है तो वेंडर रजिस्टर्ड होना हो सकता है। हाँ एक चीज है, अगर आप ये जो मेन्यू है मेन्यू को किधर भी रखना चाहें, दाएं बाएं इस तरह से कहीं भी रखना चाह रहे हैं तो आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं बिल्कुल ईजिली। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप अपीयरेंस के अंदर जाएंगे, अपीयरेंस के अंदर जाने के बाद आपको जाना है मेन्यू के सेक्शन पे, मेन्यू के सेक्शन पे आने के बाद आप जो भी के मेन्यू ऊपर नीचे जहां भी करना चाहे वो आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कभी लास्ट में सेट कर दिया तो उसमें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे लास्ट के ऑप्शंस पे जो है मैंने इसका सेट कर दिया, ये आ गया वेंडर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। जब आप वेंडर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो वेंडर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इसके अंदर कोई फूटर्स कोई नहीं है, ना ही आपका कोई वेंडर है। अगर आप इसमें मैंने इसे फूटर्स इसमें से हटा रखे हैं, अगर आप फूटर्स चाहते हैं तो आप फूटर्स को भी ला सकते हैं। वो कैसे लेकर आएंगे, फूटर्स एंड हेडर मैंने इसमें हटा दिया है क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो अगर आप इसमें चाहते हैं कि हम फूटर का और हेडर रखें तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो वेंडर रजिस्ट्रेशन का जो पेज है उस पेज के अंदर आपको चेंज करना पड़ेगा। स्मॉल चेंजेस हैं, उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं है। जस्ट क्या करना है आपको, यहाँ पे जो ब्लैंक टेम्पलेट है आप इसको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आप इसको देखेंगे कि आपका ये जो फुटर है और हेडर है वो दोनों चीजें आ जाएंगी आपके, ठीक है। तो ये भी चीज आप रखना चाहें रख सकते हैं, ये आपका फुटर आ गया ना, ये आपका हेडर आ गया, ये आपका फुटर आ गया। तो खैर इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि वेंडर के लिए हमें सिर्फ जरूरत होती है वो आपका रजिस्ट्रेशन या फिर लॉग इन, ठीक है। इस वजह से हमने यहाँ पे इसको रिमूव कर रखा है। बट अगर आपको चाहिए या फिर करना चाहें तो आप इसको इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर यहाँ पे अपना सिंपल फॉर्म डालेंगे, फॉर्म ऐड करने के बाद आप वेंडर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन अभी हमें यहाँ पे फॉर्म ऐड नहीं करना है, यहाँ पे हमें एक वेंडर है, वेंडर का हमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद हम इसमें देखेंगे कि वेंडर का प्रोडक्ट्स किस तरह से डाल सकता है, कैसे वो मैनेज कर सकता है, किस हिसाब से वो पॉसिबिलिटी है कि वेंडर अपना प्रोडक्ट्स कैसे ऐड करेगा, किस हिसाब से वेंडर मैनेज करेगा, वेंडर को कैसे पता चलेगा कि उनके पास प्रोडक्ट आया है कि ऑर्डर आया है नहीं आया है। तो ये सारी चीजें कि हम वन बाय वन करके स्टेप बाय स्टेप हम इसमें जाने। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपका लॉगिन नाउ, यहाँ पे आप लॉगिन नाउ पे आप क्लिक करते ही आपको यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आप पहुंच गया वेंडर के पैनल पे, तो ये वेंडर के पैनल पाने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि जो कि किस तरीके से आप यहाँ पे का
किए हुए हैं। हाँ जैसे ये है, ये आपका मेन वेबसाइट है, बट वंडर पैनल में अगर आप ये चीज दिखाना नहीं चाहते हैं कि एक जो होम पेज के चीजें हैं वो चीज भी हमें वंडर पैनल पे भी नहीं दिखाना है, तो आपको क्या करना है, बिल्कुल सिंपल ऑप्शन जो मैंने अभी आपको वंडर रजिस्ट्रेशन के इसमें बताया था, सेम वही चीज आपको इसमें भी अप्लाई करनी है। ठीक है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है कि आपको जस्ट वेंडर के जो को ये फॉर्म है कि स्टोर मैनेजर का जस्ट एडिट करना है। एडिट करने के बाद आप उसमें जो को हेडर है उसको आप ब्लैंक पे क्लिक करवा, जस्ट ऑन पे क्लिक करें, इसका अपडेट कर दे। अपडेट करने के बाद जैसे ही अपडेट करेंगे तो आपका ये हेडर का यहाँ पे खत्म हो जाएगा, और इस तरह से ये जो फुटर है ये फुटर भी वेंडर को नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये सारे फ्लेक्सिबल है, आप जैसा चाहें जिस हिसाब से चाहें उस हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। ये आपका ना ही आपका हेडर आ रहा है और ना ही आपका यहाँ पे फुटर आ रहा है। ठीक है, तो ये चीजें आप अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। ठीक, तो आपका वेंडर का भी का प्रोडक्ट आ गया, सेम यही चीज आप यहाँ पे देखेंगे, आप ये सिर्फ वेंडर ही की चीजें दिखेंगी, बाकी कोई चीज नहीं दिखेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे कोई परमिशंस हो, वेंडर को कोई परमिशन देना हो, जैसे कि अभी के वेंडर के जो परमिशंस हैं वो लिमिटेड परमिशंस हैं, अगर आप उसमें ज्यादा ज्यादा परमिशन देना चाहें वो बिल्कुल आप इजीली दे सकते हैं। वेंडर कोई भी प्रोडक्ट्स के अंदर टाइमर लगा सकता है, ऑफर लगा सकता है। ठीक है, जैसे अभी का वेंडर किसी प्रोडक्ट्स पे अगर वेंडर का ऑफर लगाना है तो ऑफर लगाना चाहे तो वो लगा सकता है। कैसे लगाएगा, प्रोडक्ट ऐड करना है तो जो प्रोडक्ट ऐड करने की जो विधि मैंने बताया था आपको सिंगल अपने एडमिन पैनल में, सेम एज इसी टाइप से यहाँ पे भी है। यहाँ पे एक थोड़ा सा डिफरेंट है कि यहाँ पे आपको पहले प्रोडक्ट टाइप चूज करना पड़ता है, उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे अपने प्रोडक्ट टाइप चूज कर लिए, ये जैसे कि आप, ये आपका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, ये आपका लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है जी। अगर आप ये चीजें अगर आपको डिजाइन करना हो सेम एज इट इज उसी टाइप से, जिस टाइप से आपने डिजाइन आपकी जो वो है डैशबोर्ड है, यानी आपका जो ये जो एडमिन मेन एडमिन पैनल है, सेम इसी टाइप से अगर ये भी डिजाइन वेंडर को भी दिखाना हो तो आप कैसे दिखा सकते हैं, या कुछ चीजें वेंडर से हटाना हो, रिमूव करना हो, या बढ़ाना हो, घटाना हो, कैसे कर सकते हैं, ये भी चीज पॉसिबल है। आप क्या करें, जस्ट आप मेन एडमिन पैनल पर लॉग इन करें, मेन एडमिन पर लॉग इन करने के बाद आप मार्केट प्लेस पर क्लिक करें, मार्केट प्लेस पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का ऑप्शन मिल जाएगा, इस ऑप्शन पे आप जैसा चाहें वैसा आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप कोई चीज परमिशन देना हो या फिर वेंडर को वेंडर के इसमें डालना हो प्रोडक्ट्स कैटेगरी टाइप या जो भी चीज इसमें डालना चाहे सेट करना चाहे वो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या ये आपका है डैशबोर्ड, ये आपका है वेंडर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये है आपका मेन्यू, यहाँ पे ये मेन्यू है जिसमें क्या क्या चीजें वेंडर का कर सकता है नहीं कर सकता सारी चीजें। यहाँ पे अगर आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ये स्टोर स्टाइल है, स्टोर स्टाइल कैसे दिखना है वो इस टाइप से यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से प्रोडक्ट टाइप की कैटेगरी है, प्रोडक्ट ऐड करना हो किसी तरह सिंपल प्रोडक्ट है या पे किसी पार्टिकुलर कैटेगरी ही में अगर वेंडर का रखना चाह रहे हैं कि वेंडर सिर्फ मैं किसी पार्टिकुलर कैटेगरी ही में रखूंगा, तो आप पार्टिकुलर कैटेगरी भी फिक्स कर सकते हैं कि वेंडर आप किस किस में आप रखना चाहें। ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग है। हाँ, ये जो सारी कैटेगरी है ये कैटेगरी सब ऑनर को ही ऐड करना पड़ेगा, ये वेंडर ऐड नहीं कर सकता है। ठीक, तो वो चीजें आप वहां पे चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल इजी ऑप्शन है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ सेटिंग्स करना हो या प्रोडक्ट्स के बारे में या फिर इसमें चेंजेस करना हो, यहाँ जैसे अभी आप देखें ये अभी प्रोडक्ट्स का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पे आप जस्ट क्लिक तो खैर इस हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग चीज यहाँ पे चेंज कर सकते हैं और कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एसईओ का चीजें हैं, या इन्वेंटरी का है, या शिपिंग का है, या टैक्स का है, इसका एट्रीब्यूट्स वगैरह के एट्रीब्यूट्स ऐड करना हो वो कर सकता है, यानी मल्टीपल का 1, 2, 3 kg के अकॉर्डिंग करना हो वो चीजें आप यहाँ से किया सकती है। ठीक है, जैसे कि अगर सपोज के हमें कोई प्रोडक्ट्स ऐड करनी हो, उसमें वेरिएबल प्रोडक्ट्स ऐड करनी है, यानी एक ही प्रोडक्ट्स को हमें 2-3 टाइप से डालना है, यानी कि
1 kg, 2 kg, 3 kg, इस हिसाब से अगर हमें प्रोडक्ट ऐड करनी हो तो आप वो कैसे कर सकते हैं, यानी वेंडर कैसे आपको ये प्रोडक्ट्स ऐड कर सकता है कि एक प्रोडक्ट के अंदर जो मल्टीपल वेट है या फिर मल्टीपल रेट है उसको कैसे किया जा सकता है, ये चीज मैं दिखा देता हूँ इसलिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जस्ट सैंपल ले रहा हूँ अभी, यहाँ पे आपका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कहाँ से दिखेगा, ये भी चीज आपको मैं ऐड करके दिखा देता हूँ। जैसे कि आप कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं, चाहे पॉइंट पॉइंट ऐड करें या फिर आप इसमें क्या नाम है जो भी आप ऐड करना चाहें आप इजीली इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हाईलाइटेड डिस्क्रिप्शन होती है जो प्रोडक्ट्स के ऊपर दिखते हैं, मैं अभी दिखा देता हूँ कैसे दिखेगा। ये आपका डिस्क्रिप्शन जो होता है वो आपका फुल डिस्क्रिप्शन है। इसके बाद आप यहाँ पे इन्वेंट्री चूज करेंगे, ये एक 00001 जो 002 जो भी आप इन्वेंट्री डालना चाह रहे हैं। अगर इसमें इन्वेंट्री ऐसा रखें कैटेगरी वाइज रखें, सपोज कि अगर आप वेजिटेबल्स कर रहे हैं तो वेजिटेबल्स के लिए VG-, इस तरह से आप रखेंगे तो इससे क्या होगा कि किस कैटेगरी में कितने प्रोडक्ट्स हैं वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसका स्टॉक मैनेज करना हो तो आप स्टॉक मैनेज कर सकते हैं, बट वेजिटेबल्स वगैरह में या इस तरह से ग्रोसरी वगैरह में इसमें आपको कोई क्वांटिटी मेंटेन्स करने की जरूरत नहीं पड़ता है, बट जो इसके अलावा दूसरे प्रोडक्ट्स है उसमें क्वांटिटी मैनेज करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वेजिटेबल कोई फिक्स नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। इसमें टैक्सेबल या नॉन टैक्सेबल है, यहाँ पे आपका जीरो डेट है। ये चीजें क्यों रखी गई है टैक्सेबल या नॉन टैक्सेबल, इसलिए क्योंकि अगर आप ग्रोसरी के साथ साथ कोई ऐसे प्रोडक्ट्स ऐड करना चाहते हैं जो टैक्स की चीजें हैं तो वो इसके लिए रखी गई है। अब ये बात ही आ जाती है कि आप टैक्स चीजें कैसे सेट करेंगे, ये कौन से प्रोडक्ट्स में किस टाइप के कितने परसेंट टैक्स हैं। सपोज कि अभी अगर आप यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आपको टैक्स जो है सिर्फ स्टैंडर्ड दिख रहा है, रिड्यूस रेट दिख रहा है, बट अगर आपको यहाँ पे टैक्स सेट करना हो तो कैसे करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब ग्रोसरी के अलावा कोई दूसरे प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे तो वहां पे आपको टैक्स सेट करना पड़ेगा। टैक्स सेट किस तरह का होगा, ये सिंपल ऑप्शन है, आप यहाँ पे आएंगे ई-कॉमर्स में, ई-कॉमर्स मारने के बाद यहाँ पे आपका टैक्स का सेक्शन मिल जाएगा। अगर आपका टैक्स का सेक्शन नहीं मिलता है, अगर आप बिगिनर है समझ में नहीं आ रहा है, अगर टैक्स का सेक्शन नहीं मिल रहा तो आप यहाँ पे जनरल पे क्लिक करेंगे। जनरल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो ऑप्शंस है टैक्सेबल इसको बस इनेबल करना है, उसके बाद आपका ये टैक्स का सेक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ये टैक्स पर आप क्लिक करेंगे, टैक्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जिस हिसाब से चाहें जैसा चाहें आप अपने अकॉर्डिंग इसमें टैक्स सेट कर सकते हैं। ये आपका दो टैक्स है, आप इसमें 18% अगर टैक्स ऐड करना चाह रहे हैं आप सिंपल आप इसमें 18% टैक्स डालिए GST, ठीक है। तो ये आप इसको जस्ट सेव कर दीजिए, सेव करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा एक सेक्शन आपका ऐड हो जाएगा, 18% का आपका ऐड हो जाएगा, 18% का यहाँ पे आगे देखिए 18% GST रेट आ चुका है। अब इसको सेट कैसे करेंगे, सेट करना बड़ा इजी है। जैसे सपोज कि ये अगर आप महाराष्ट्र के लिए सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये INR इंडियन डालेंगे, कोड डालेंगे और उसके यहाँ पे महाराष्ट्र का जो कोड है वो डालेंगे और उसका जो यहाँ पिन कोड है, जो पिन कोड आप इसमें रखना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ पे पिन कोड रख सकते हैं। ये आपका पिन कोड आ गया, ठीक है। ये आपका यहाँ से पिन कोड हो गया, ठीक। इसके बाद यहाँ पे सिटी है, सिटी आप अपना डाल सकते हैं जो भी डालना हो। मैं सपोज यहाँ पे मैं बता रहा हूँ एक सैंपल के तौर पर। इसके बाद यहाँ पे आपको 9% डालना है, यहाँ पे आपका टैक्स रेट डालना है, ये कौन सा टैक्स है तो यहाँ पे डालना है CGST। जी हाँ, यहाँ पे हमने 9% क्यों डाला, देखिए ये इसलिए मैंने डाला कि आपको CGST एंड IGST दोनों चीज मेंशन करनी पड़ेगी। ये CGST क्या होता है, CGST आपका सिटी लेवल का होता है, IGST आपका क्या नाम है कि इंडिया लेवल का होता है, यानी अगर आप अपने सिटी में अगर आप ये करते हैं तो उसमें आपको CGST का ऐड होगा, लेकिन अगर आप अपने सिटी के अलावा कहीं का सामान कहीं का ऑर्डर आ रहा है तो वो आपका IGST में होगा, या इस तरह से इंडिया का अलावा भी अगर कहीं से कोई प्रोडक्ट्स आ रहा है तो वहाँ पे भी IGST मेंशन होगा। तो आप इसको नंबर 2 पे रखें, ये आपका नंबर 1 पे होगा, ये आपका नंबर 2 पे रहेगा। उसके बाद आपको जस्ट सेव कर दें, जब आप सेव कर देंगे इस तरह से आप 12% का 6% का 5% का जैसा चाहे वैसा इस तरह से आप सेट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि जो वैल्यू यहाँ पे वैल्यू दोनों का इसमें 50-50 रहेगा। जो भी वैल्यू है अगर आपका 12% है तो आप उसमें 50% CGST रखेंगे, 50% IGST रखेंगे, ठीक है।
इसके बाद आप इसमें के जैसे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आपको वो चीज आ जाएंगी। तो मैं रिफ्रेश करने से पहले कि मैं इसमें ऐड कर देता हूँ ये इसको ये प्रोडक्ट्स मैं ऐड कर देता हूँ, ये आपका टैक्स का वो नाम हो गया। इसके बाद यहाँ पे एक जस्ट मैं इसमें सेव कर देता हूँ, ये आपका सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद ये आपका प्रोडक्ट्स जो है आ चुका है वेबसाइट पे, आपका ये प्रोडक्ट डल चुका है। ठीक है, तो ये चीज अगर आपको चेंज करना हो तो आप कैसे करेंगे? चेंज करने के लिए सिंपल ऑप्शंस हैं कि आप यहाँ पे एट्रीब्यूट्स पे आएंगे। अब जैसे कि मैंने बताया था टैक्स का सेक्शन, के टैक्स का सेक्शन ये चीज अवेलेबल है नहीं है, तो टैक्स जैसे कि मैंने अभी ऐड किया था 18% टैक्स जो मैंने इसमें ऐड किया था, ये देख सकते हैं यहाँ पे 18% टैक्स आ चुका है। ठीक है, लेबल आ चुका है, तो ये टैक्सेबल, यहाँ पे 18% टैक्स एडजस्ट है। तो जैसा चाहेंगे उस हिसाब से आप इसमें अरेंज कर सकते हैं। इसके बाद एट्रीब्यूट की बात है, अगर एट्रीब्यूट आप लेना चाह रहे हैं तो एट्रीब्यूट के लिए पहले शर्त ये है कि आपको यहाँ पे जो प्रोडक्ट चूज करना है वे वेरिएबल चूज करना है, उसके बाद ही आप इसमें एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप मल्टीपल एट्रीब्यूट ऐड करके रखना चाह रहे हैं तो आप रख सकते हैं बिल्कुल इजीली। यहाँ पे एक सेपरेटेड सेपरेट वैल्यू डालनी पड़ती है उसके एट्रीब्यूट के, जो सेपरेटेड वैल्यू है वो आप कैसे डालेंगे? सपोज कि यहाँ पे हमें क्वांटिटी डालनी हो, ठीक है, उसके बाद ये हमें सेपरेटेड का जैसे 1 kg है सपोज, ये आपका 1 kg हो गया। उसके बाद आपको एक सेपरेट वैल्यू डालने के लिए ये आपको सेपरेट वैल्यू डालना पड़ता है। आपका जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड के अंदर का आपको बैक स्पेस के नीचे आपको मिल जाएगा ये सेपरेट वैल्यू, ये फॉरवर्ड का, फॉरवर्ड की जो होता है उसके उस वाले की में होता है कि मोस्टली। ठीक है, उसके बाद आपको एक 2 kg का, उसके बाद आपका 3 kg। ठीक, इस हिसाब से आप वैल्यू जो है आप अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहें वैसा चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको क्या करेंगे, जस्ट सेव कर देंगे। हाँ, या इस तरह से कोई वैल्यूबल कलर, कोई साइज चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी आप इसमें चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको क्या करते हैं, सेव कर दें। तो अब जैसा चाहें वैसा आप कर सकते हैं। इसके बाद जब वैल्यूबल का ये आप जब डाल देंगे तो उसके बाद आपका आ जाएगा वेरिएशन, मल्टी टाइप का वेरिएशन आ जाएगा। आप इस वेरिएशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये क्वांटिटी आ गया, जैसे 1 kg का है तो 1 kg में क्या को कौन से प्रोडक्ट्स हैं, क्या है नहीं है वो आपको यहाँ चूज करना है। ठीक है, जैसे ऑल इनेबल्स एनी क्वांटिटी, यहाँ पे ये क्वांटिटी है, ये ऑप्शन है इनेबल द वेरिएबल प्रोडक्ट, बस जस्ट चेक करना है और इनेबल कर देना है। ठीक है, उसके बाद आप इसको सबमिट कर देना, जो भी क्वांटिटी आपको क्वांटिटी लेना हो क्वांटिटी लेकर बस इसको सबमिट कर देना है। एनी क्वांटिटी 1 kg एंड चूज ऑप्शंस, ये ऑप्शंस हैं जो आप चूज कर सकते हैं, या वेट है क्या है, 1 kg ये आपका वेट है। ठीक है, तो आप इसमें वेट ऐड कर दीजिए और ये सेव कर दीजिए इसको। तो ये बल्क ऑप्शन के लिए ये रखना चाहें वो रख सकते हैं, वरना इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक, इस टाइप से आपका देखेंगे कि ये प्रोडक्ट्स आपका जो मेन पैनल है वहां पे ये आ चुका है। यहाँ पे आप प्रोडक्ट्स पे क्लिक करें तो प्रोडक्ट्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि वो प्रोडक्ट्स, यहाँ पे देखें ये प्रोडक्ट्स आ चुका है और ये प्रोडक्ट्स आपका सेलर पे भी आ चुका है, जो सेलर डैशबोर्ड है यहाँ पे आ चुका है। हाँ, एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये प्रोडक्ट ये में भी अभी करंट स्टॉक इसमें अवेलेबल नहीं है। क्यों स्टॉक इसमें अवेलेबल नहीं है, क्या रीजन है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीजें स्टॉक क्यों अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे स्टॉक अवेलेबल देखेंगे कि हम यहाँ पे देखते हैं ये इन्वेंट्री, तो यहाँ पे हमने कोई स्टॉक इसमें डाला नहीं है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर आप इसमें स्टॉक डालना चाहें तो आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप कहा गया जस्ट इसको रिफ्रेश करें, रिफ्रेश करने के बाद ये आपका कह रहा है दिस प्रोडक्ट इज करेंटली आउट ऑफ स्टॉक एंड अनअवेलेबल। अच्छा, मैंने इसका रेट नहीं डाला था तो जिसकी वजह से वो आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा था, सॉरी। तो यहाँ पे हम रेट आपस में हम अपने अकॉर्डिंग इसमें रेट भी ऐड कर सकते हैं, तो वो रेट ना डालने की वजह से उसमें वो दिखा रहा था कि ये आउट ऑफ स्टॉक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें जस्ट रेट डालना है। जैसे रेट इसका ये है 100 रुपये है, इसके सेल इसके रेट जो है 90 रुपये इसका। उसके बाद आप इसको सेव कर दें,
सेव करने के बाद ही ये आपका जो प्रोडक्ट है ना वो इन स्टॉक में आपका दिख जाएगा। ठीक है, तो ये आपके इन स्टॉक में दिख गया। तो ठीक है, ये बिल्कुल इजी ऑप्शन है, आप अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहें वैसा चेंज इसमें कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी चीज अगर बाकी रह गई हो तो आप उसमें कॉन्टेक्ट करें। हाँ, आप कॉन्टेक्ट करने के बाद सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा, और कोई चीज रह गई है मे भी सारी चीजें आ गई हैं, और कुछ चीजें रह जाती हैं छूट जाती हैं तो वो आप पूछ लें, मैं आपको वो चीजें मैं बता दूंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।